तो जब से नेदर पोर्टल रिलीज हुआ है, नेदर पोर्टल एक जैसा ही रहा है। बट आज की इस वीडियो में मैं बिल्ड करने वाला हूँ एक इलीगल नेदर पोर्टल स्टार्टिंग फ्रॉम एन इजीएस्ट ब्लॉक टू वन ऑफ द हार्डेस्ट ब्लॉक इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। एंड इस वीडियो को बनाने में मुझे 40 आवर से भी ज्यादा टाइम लग गया। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले गाइस हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो हम करेंगे इजी ब्लॉक्स के साथ। तो हमें सबसे पहले ब्लॉक चाहिए पिंक वुल, जिसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा पिंक शिप को। एंड इसके स्पॉन होने के चांसेस 0.164% है एंड ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। सो ओके, मैंने अभी करीब कुछ इतने सारे रॉकेट्स रेडी कर लिए, आई थिंक इतने तो इनाफ होने चाहिए। अब चलो फटाफट से पिंक शिप को ढूंढना शुरू करते, अब पता नहीं इसमें कितना ही टाइम लगने वाला है। एंड गैस एक पोपट हो चुका है, हमारे इलाइट्रा ने ऑलरेडी हमारा साथ खो दिया है। बट टेंशन की कोई बात नहीं गैस, अब वक्त आ चुका है हमारे पिटारे को खोलने का, जिसके अंदर है भर भर के काफी सारे इलाइट्रा। तो इनमें से हम थोड़े बहुत इलाइट्रा अपने शल्कर बॉक्स में रख देते हैं। एंड मेरे पास कुछ फैंटम मेम्ब्रेन्स भी है, इसके हेल्प से हम अपने इलाइट्रा को रिपेयर कर लेते हैं। एंड अब फिर से लग जाते हैं काम पे। भाई साहब पता नहीं ये पिंक शिप कब मिलेगी यार, मुझे अब तक इस वर्ल्ड में कभी भी नहीं मिली है। और एक मिनट, ये येलो येलो से क्या नजर आ रहा है? ओ भाई साहब पिकाचू। मैं मजाक कर रहा था, एक्चुअली मैंने पिक का टेक्सचर पैक चेंज कर दिया क्योंकि पिक भी पिंक होते और हमें पिंक शिप की जरूरत है। तो पिंक शिप को ढूंढते ढूंढते मैं बार बार पिक के पास ही आ जा रहा था, तो मुझे मजबूरन इनका टेक्सचर पैक बदलना पड़ा। थोड़ा देर भाई काम चला लेना। तो उससे मेरा क्या फायदा? एक मिनट, ये पिंक पिंक सा क्या नजर आ रहा है? नो वे भाई साहब। ओ भाई साहब फाइनली गाइस हमें पिंक शिप मिल चुकी है। भाई इसने इतना ज्यादा परेशान किया, बट पिछली बार से ही हमें काफी कम टाइम में मिल चुकी है। एंड मैं इतनी प्रिपरेशन करके लेके आया उसका भी कोई मतलब ही नहीं हुआ। सो अभी हम जिस काम के लिए आए थे वो कर लेते, हमारे प्यारे से पिंक वुल को ले लेते। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमने अपना पहला ब्लॉक कलेक्ट कर लिया है। ऐसे ही अभी हमें और 13 ढूंढने हैं। सो ओके, इसको लगा देते अभी यहाँ पे। सो ओके गाइस, अभी जो हमें अगला ब्लॉक चाहिए वो है एक बीकन, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, बट हम इसका यूज नहीं करने वाले क्योंकि अपना पर्सनल बीकन है। सो हमें फिर से बीकन क्राफ्ट करना पड़ेगा। अब इसे फटाफट से यहाँ पे लगा के कर देते हैं विदर को स्पॉन। एंड विदर को हराना तो बच्चों का काम है। तो ओके, ये बन गया हमारा बीकन। एंड अब इसको भी यहाँ पे लगा देते। अभी जो गाइस हमें अपना अगला ब्लॉक चाहिए वो है लोडस्टोन, जिसे हमने क्राफ्ट किया था जब हम अपने सारे एडवांसमेंट्स को कंप्लीट कर रहे थे। तो इसी के साथ ये लग गया हमारा थर्ड ब्लॉक। एंड अब ऐसे गाइस एक एक करके सारे ब्लॉक्स को लगाते हुए हमें अपने पोर्टल को कम्प्लीट करना है। अभी गाइस जो हमें फोर्थ ब्लॉक चाहिए वो है एक स्कल कैटलिस्ट, जिसे मैं डायरेक्टली एंशिएंट सिटी में सिल्ट टच से माइन करके ले सकता हूँ, बट उसमें मजा नहीं, हम उसे वार्डन को मार के लेंगे। देखा जाए तो मजा तो इसमें भी नहीं है। बात तो सही है। सो कि गाइस अभी मैं अपने पास वाले एंशिएंट सिटी में आ चुका हूँ। एंड मेरा प्लान काफी ज्यादा सिंपल है कि मुझे वार्डन को स्पॉन करके इस पानी के बीच फंसाना है एंड एरो से अटैक करते हुए उसे मार देना है। बट ये इतना भी इजी नहीं होने वाला है, सो भागने के लिए एक टनल भी बना लेते। एंड आई थिंक इतनी टनल तो भागने के लिए इनाफ होगी। अब लेट्स सी वार्डन स्पॉन होता है या नहीं। ओके स्पॉन हो चुके, फटाफट से यहाँ से भागते। एंड ये किधर देख रहे हैं भाई, मैं यहाँ पे हूँ। ओ भाई भड़क गया। ओ भाई भागो यहाँ से, लेट्स गो। फटाफट से हम अपने स्पॉट पे पहुंच जाते। ओके वार्डन वहाँ पे आके रुक गया है, तो अब एक काम करते फटाफट से एरोस की बरसात करके इसको मारने का ट्राई करते। एंड करीब 40-50 एरोस मारने के बाद फाइनली हमारा वार्डन मर चुका है। लेट्स सी इसने स्कल कैटलिस्ट ड्रॉप किया या नहीं। ओके लेट्स गो, हमें फाइनली स्कल कैटलिस्ट मिल चुका है। सो इसी के साथ इसको भी लगा देते यहाँ पे। अब गाइस हमारा अगला ब्लॉक ड्रैगन आ गया, जिसे मैंने कहाँ पे रखा हूँ मैं। ओके यहाँ पे है, तो इसको ले लेते। एंड इसी के साथ गाइस अभी तक हमने टोटल 5 ब्लॉक्स कंप्लीट कर लिए है। अभी जो गाइस हम अपना अगला ब्लॉक ढूंढने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा रेयर ब्लॉक है, क्योंकि उसके स्पॉन होने के चांसेस 0.025% है, जो कि ना के बराबर है। एंड ये कुछ और नए डीप स्लेट एमरल्ड ओर है, जो कि ज्यादातर माउंटेन्स के बीच मिलता है। सो मैं यहाँ पे माउंटेन के बीच ही आ चुका हूँ। एंड मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ स्ट्रिप माइनिंग करने की -2 कोऑर्डिनेट्स पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं डीप स्लेट एमरल्ड ओर के स्पॉन होने के। सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगर मेरे कुछ हाथ लगता है तो। एंड माइन करते करते गाइस मुझे अराउंड 3 घंटे हो चुके हैं। एंड मुझे अभी तक डिस्प्लेड एमरल्ड ओर का नामो निशान नहीं मिला। भाई क्या है ये? अब गाइस मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैंने सारे ट्रिक्स लगा लिया, मैंने माउंटेन के बीच माइनिंग कर लिया, मैंने प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स पे भी माइन कर लिया, बट यहाँ पे मुझे कहीं पे भी डिस्प्लेड एमरल्ड ओर नहीं मिल रहा है। एक मिनट, नो वे भाई साहब यार क्या है। एक मिनट रुक जा भाई, तू थोड़ी देर चुप बैठेगा यार। जिसे गाइस मैंने ढूंढा हर गली वो मुझे यहाँ पे मिली। कुछ भी भाई साहब, इसको ढूंढने में मुझे 3 घंटे लग गए, बट फाइनली हमें मिल चुका है। फटाफट से इसको माइन करके कलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स गो गाइस, फाइनली हमने अपने वर्ल्ड का वन ऑफ द रेयरेस्ट ओर को कलेक्ट कर लिया है। हालत खराब हो गई भाई, इस बात पे तो एक लाइक करना बनता है। ओके सो हम लोग वापस से आ चुके अपने बेस पे, और फटाफट से इसको भी यहाँ पे लगा देते। अब गाइस जो अगला ब्लॉक है उसे हमें क्राफ्ट करना पड़ेगा, जो कि एक नेथरेट का ब्लॉक है, जिसके लिए हमें टोटल 36 एंशिएंट डेब्रिस की जरूरत है। तो अभी मैं आ चुका अपने क्रीपर फार्म पे, एंड मैं यहाँ से सारे गन पाउडर को कलेक्ट कर रहा हूँ। एंड साथ ही यहाँ से काफी सारे
सैंड को भी कलेक्ट कर लेते हैं एंड अब इनके हेल्प से क्राफ्ट कर लेते हैं अपने लिए काफी सारे टीएनटी। सो आई थिंक 36 एंशिएंट डेब्रिस को ढूंढने के लिए इतने टीएनटी तो इनाफ होने चाहिए। और फटाफट से गाइस इस टनल के भी सारे टीएनटी को प्लेस करके यहाँ पे आग लगा देते हैं और धमाके के साथ सारे एंशिएंट डेब्रिस को माइन करना शुरू करते हैं। ओके सो 41 एंशिएंट डेब्रिस के साथ हम वापस से अपने बेस पे आ चुके हैं। इनको रख देते हैं स्मेल्टिंग के लिए। इनसे क्राफ्ट कर लेते हैं टोटल 9 नेथरेट के इंगट एंड इनसे बना लेते हैं अपने वर्ल्ड का पहला नेथरेट का ब्लॉक एंड अब इसे भी इनके साथ यहाँ पे लगा देते हैं। एंड अब तक गाइस हमने जितने भी ब्लॉक्स को कलेक्ट किए वो काफी ज्यादा इजी थे। आई नो इजी तो नहीं थे बट अब जो हम ब्लॉक्स को कलेक्ट करने वाले हैं वो कलेक्ट करना सर्वाइवल में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है। सो हमारे सबसे पहले इलीगल ब्लॉक को कलेक्ट करने के लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे यानी कि माइनक्राफ्ट बीटा 1.9 प्री रिलीज 3 में। सो अगर अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वर्जन में हम क्या करने के लिए आए हैं, सो इस वर्जन में हम आए हैं एंड पोर्टल फ्रेम्स को कलेक्ट करने के लिए, बट उससे पहले हमें थोड़ी बहुत बेसिक सी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी तो वो कर लेते हैं। सो कि गाइस मैंने थोड़े बहुत बेसिक से टूल्स, थोड़े बहुत खाना एंड बेड को क्राफ्ट कर लिया है एंड पता नहीं इस वर्जन में हमारी स्किन कहाँ गायब हो चुकी है। अब गाइस एंड पोर्टल फ्रेम को कलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढना पड़ेगा, बट अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढूंगा कैसे जबकि मेरे पास आया वेंडर तो है ही नहीं। तो आई थिंक मुझे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है। सो अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो ये जो ग्लास के बड़े बड़े से पिलर है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जाने का ही रास्ता है। बेसिकली नॉश ने स्ट्रॉन्ग होल्ड को फाइंड करने के लिए ये बड़े बड़े ग्लास के पिलर लगाए थे बट माइनक्राफ्ट को रिलीज करने से पहले भाई साहब इन्हें हटाना ही भूल गए जो कि आज हमारे काम आ रहा है। एंड इनमें गाइस दो रास्ते, एक जाता है स्टेयरकेस की तरफ, एक जाता है एंड पोर्टल की तरफ। तो हम एक तरफ ट्राई करके देखते हैं। ओके लेट्स गो गाइस, फाइनली हमें एंड पोर्टल फ्रेम वाला रूम मिल चुका है एंड जो आपको ब्लू ब्लू से ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे वो कुछ और नहीं एंड पोर्टल के फ्रेम्स ही है। पहले एंड पोर्टल फ्रेम के टेक्सचर कुछ और हुआ करते थे बट धीरे धीरे माइनक्राफ्ट उन्हें अपडेट कर देता है, बट अभी गाइस अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। तो अभी गाइस एक काम करते हैं, हम थोड़ी बहुत बेसिक सी ग्राइंडिंग करके कम से कम अपने लिए फुली आयरन का आर्मर क्राफ्ट कर लेते हैं। तो ओके गाइस मैंने बेसिक से आयरन आर्मर तो क्राफ्ट कर लिया हूं, अभी कुछ क्रीपर्स को मार के थोड़ी बहुत गन पाउडर कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें एक टीएनटी क्राफ्ट करना है। ओके सो लेट्स गो, ये बन चुका है हमारा टीएनटी। अब बस हम यहाँ पे टीएनटी लगा के लीवर की हेल्प से इसको कर लेना है लाइट अप एंड लेट्स गो। लेट्स सी क्या हमें एंड पोर्टल के फ्रेम्स मिलते हैं। ओ भाई साहब लेट्स गो गाइस, फाइनली हमें एंड पोर्टल के फ्रेम्स मिल चुके हैं। एक्चुअली देखा जाए तो गाइस पहले इन पोर्टल फ्रेम्स का नाम भी नहीं हुआ करता था एंड अभी गाइस आपको पता है क्या हुआ, क्योंकि मैंने एंड पोर्टल फ्रेम को जो है कलेक्ट कर लिया इस वर्ल्ड में तो नॉच ने खुशी के मारे हमें जो है स्टैक बाय स्टैक डायमंड के ब्लॉक्स दे के गया है। अरे सच्ची में मजाक नहीं कर रहा मैं, आई थिंक वो कुछ ज्यादा ही खुश हो चुका था, कुछ ज्यादा ही दे के गया, कुछ ज्यादा नहीं बहुत ही ज्यादा देखी गया। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। ओके तो ओवर एक्टिंग कम करते हैं भाई साहब। गाइस ये सारे ब्लॉक्स को मैंने कलेक्ट किया ड्यूपिंग की हेल्प से जो कि होता है ऑल्ट प्लस F4 की हेल्प से एंड इसी की हेल्प से मैंने एंड पोर्टल फ्रेम्स को भी ड्यूप कर लिया हूँ। एंड अब गाइस इतने सारे डायमंड्स आ चुके हैं तो थोड़ा बहुत फ्लेक्स करना तो बनता है, तो क्यों ना अपने लिए एक बम्बानी हाउस बनाया जाए। एंड लेट्स गो गाइस, हमारा फाइनली बम्बानी हाउस बनके रेडी हो चुका है। पहली बार यार माइनक्राफ्ट में इतनी अमीरी महसूस हो रही है। अब सबसे पहले इन सारे डायमंड की हेल्प से अपने लिए फुली डायमंड का आर्मर क्राफ्ट कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ से थोड़े बहुत ऑब्सिडियन माइन कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें एक एन्चेंटमेंट टेबल भी सेटअप करना है। एंड लग गया स्ट्रॉन्ग होल्ड से थोड़े बहुत बुक्स भी कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इस वर्ल्ड में हम बुक्स को क्राफ्ट नहीं कर सकते। सो के ये बन गया हमारा एन्चेंटमेंट टेबल एंड फटाफट से अपने एन्चेंटमेंट टेबल को सेटअप कर देते हैं। अब गाइस एन्चेंट करने के लिए हमें एक्सपीज की जरूरत है एंड इस वर्ल्ड में भाई साहब माइनक्राफ्ट रो रो के हमें एक्सपीज दे रहा है। सो एक्सपीज कलेक्ट करने के लिए हमें माइनक्राफ्ट में थोड़ा बहुत और पीछे जाना पड़ेगा यानी कि माइनक्राफ्ट बीटा 1.9 प्री रिलीज 1 में। पता नहीं गाइस कैसे इस वर्जन में आते ही हमारा हार्डकोर वर्ल्ड सर्वाइवल में कन्वर्ट हो चुका है एंड इस वर्जन में गाइस एक्सपीज कलेक्ट करना काफी ज्यादा सिंपल है, बस हमें जंप मारते रहना है एंड मेरे एक्सपी बार को देख ही सकते। एक काम करते यहाँ पे स्लैब लगाते हैं एंड यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली AFK करते रहते हैं एंड गाइस आप मेरे एक्सपी बार को देखो कितनी जल्दी ये भर रहा है। सो फटाफट से काफी सारे एक्सपी को कलेक्ट कर लेते हैं। A few moments later. तो ओके गाइस मैं वापस से माइनक्राफ्ट बीटा 1.9 प्री रिलीज 3 में आ चुका हूँ एंड अभी गाइस मेरी एक्सपी देखो 188 हो चुकी है एंड गाइस आप देख ही सकते हो कि वर्जन में पीछे जाने की वजह से हमारा एन्चेंटमेंट टेबल गायब हो चुका है एंड सेम डर मुझे एंड पोर्टल फ्रेम के लिए भी था, इसलिए मैं उसे दूर रख के आया था। तो एक बार देख लेते हैं क्या वो सही सलामत है या नहीं। ओके यही टेबल लेट्स गो गाइस, फाइनली हमारे एंड पोर्टल फ्रेम सही सलामत है तो यहाँ लगा देते एक और एक एन्चेंटमेंट टेबल। तो ओके गाइस फटाफट से अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स को एन्चेंट कर लेते हैं। इस वर्जन में गाइस लिटरली एन्चेंटमेंट की जगह एन्चेंटेड लिख के आता है अपने टूल्स एंड आर्मर पे। अब गाइस वक्त आ चुका है हमारे अगले इलीगल ब्लॉक को कलेक्ट करने का, जिसके लिए हमें चलना पड़ेगा माइनक्राफ्ट बीटा 1.9 प्री रिलीज 4 में। एंड इस वर्जन में गाइस हम आए हैं मॉन्स्टर स्पॉनर को कलेक्ट करने के लिए एंड गाइस अब आप लोग देख सकते हैं कि अपने आर्मर पे ऑटोमेटिकली फेदर फॉलिंग 1 लग चुका है जो कि करना भी एक तरीके से इलीगल ही होता है।
जापानीज वर्जन में आते गैस हमारे एंड पोर्टल फ्रेम्स का थोड़ा सा टेक्सचर बदल चुका है, बट हमारे भाई साहब का अभी तक कोई भी नाम नहीं है। सो अभी कैसे मुझे अपने पिकेक्स पे सिल्टस की एन्चेंटमेंट चाहिए, क्योंकि इस वर्जन में हम लिटरली सिल्टस की एन्चेंटमेंट के साथ मॉन्स्टर स्पॉनर को कलेक्ट कर सकते हैं। एंड इस वर्जन की गैस एक बात काफी ज्यादा अच्छी है कि हम इसमें बार बार एन्चेंटमेंट को चेंज कर सकते हैं। सो हमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट एन्चेंटमेंट ढूंढनी है, जो कि आई थिंक मुझे मिल चुके। लेट्स सी, हैं फॉर्चून 2 के साथ सिल्टच 1 कौन देता है भाई, माइनक्राफ्ट वाले क्या ही करते रहते। अब एक्सपीस बची है तो लग गया तो अपने आर्मर को भी इंचेंट कर लेते। अब गाइस फाइनली वक्त आ चुका है मॉन्स्टर स्पॉनर को सिल्टच की हेल्प से माइन करने का, बट भाई टेंशन हो रही है क्योंकि इसमें फॉर्चून भी लगा हुआ है, पता नहीं भाई ये काम करेगा भी या नहीं। ओके माइन तो हो रहा है, लेट्स सी भाई। ओ भाई साहब लेट्स गो गाइस, फाइनली हमें मॉन्स्टर स्पॉनर मिल चुका है। एंड इस वर्जन में गाइस ड्यूपिंग का टेक्निक थोड़ा सा अलग है कि जैसे ही मैं पोर्टल के अंदर जाने लगूं, उससे पहले अगर मैं क्राफ्टिंग टेबल में कोई भी चीज रख दूंगा तो वो ड्यूप हो जाएगी। एंड यही नहीं, मैं उस पर राइट क्लिक करके उसे अनलिमिटेड टाइम ड्यूप कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे टोटल 1 स्टैक स्पॉनर बना लिया है। एंड अभी तक गाइस हमने टोटल 2 इलीगल ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लिया है, अब टाइम आ चुका है 3rd इलीगल ब्लॉक को कलेक्ट करने का। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा स्नैपशॉट 15W47C में। एंड इस वर्जन में आते गाइस फाइनली हमारी स्किन भी वापस आ चुकी है। एंड इस वर्जन में गाइस हम आए हैं लिटरली बेडरॉक को कलेक्ट करने के लिए। एंड एक मिनट भाई, ये क्या है, ये किस तरीके का दरवाजा है? माइनक्राफ्ट हो और गड़बड़ी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और एक मिनट भाई, ये किस चीज का टेक्सचर है? ओ भाई साहब, इस वर्जन में आते ही वुडन स्लैब का टेक्सचर ही बदल चुका है। भाई साहब ये क्या बक्सा बना दिया है माइनक्राफ्ट ने इस टेक्सचर को। देखा जाए तो गैस ये भी एक तरीके से इलीगली नजर आ रहा है, तो एक काम करते इसको भी अपने साथ अपने वर्ल्ड में लेके जाएंगे। एंड इस वर्जन में आते गैस फाइनली हमारे एंड पोर्टल फ्रेम्स ठीक हो चुके हैं। सो कि गैस अभी मैं आ चुका हूँ नेदर में ब्लेज रॉड्स को कलेक्ट करने के लिए। एक मिनट, क्या ये फोर्ट्रेस है? ओके लेट्स गो, हमें फाइनली फोर्ट्रेस मिल चुका है। ओके ये रहा ब्लेज का स्पॉनर, अब फटाफट से इनको मार के इनाफ ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेते। अब साथ ही गाइस मुझे 5 एंड क्रिस्टल भी क्राफ्ट करनी है, जिसके लिए मुझे 5 घास टियर की जरूरत है। एंड इस वर्जन में गाइस लिटरली एंडरमैन सिर्फ ओवरवर्ल्ड में स्पॉन हो जाते हैं, जिससे एंडर पर्ल कलेक्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड गाइस करीब 3 रात जागने के बाद मुझे टोटल 19 एंडर पर्ल्स मिल चुके हैं। भाई साहब हालत खराब हो चुकी है, अब फटाफट से इनसे क्राफ्ट कर लेते हैं एफ एंड। ये बन गए हमारे कुछ एंड क्रिस्टल्स, अब इसी के हेल्प से हमारे पोर्टल को बना लेते हैं। एंड अब ये लगा के कर लेते हैं हमारे पोर्टल को एक्टिवेट। एंड लेट्स गो गाइस, इस वाले वर्जन में भी ड्रैगन को मिल के आते हैं। एंड ड्रैगन को हराना तो गाइस बच्चों का काम है, तो वो काम कर लेते। तो गाइस सारे क्रिस्टल तो फूट चुके, अब बस मुझे यहाँ पे एक बोट लगा देना है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बोट क्यों लगाया है, वो इसलिए कि जैसे ड्रैगन यहाँ पे आएगा वो बोट के अंदर ही बैठ जाएगा। एंड अब मैं इस पे कितने भी अटैक करूँ ये चाह कर भी उड़ नहीं सकता, तो मेरे लिए काफी ज्यादा इजी हो चुका है इसको हराने। अब गाइस हमारा ड्रैगन मरने वाला है, एंड एंड मोमेंट पे ये पगला चुका है, ये मुझे नजदीक आने ही नहीं दे रहा है। सो आई थिंक गाइस मुझे ये करना ही होगा। सो फाइनली हमने ड्रैगन को हरा दिया है, इसी खुशी में ड्रैगन एग को कलेक्ट कर लेते हैं। एंड सीधा चलते हमारे वर्ल्ड में। एंड ये रहा गाइस हमारा स्पॉन पॉइंट, जहाँ पे हमारे एंड वर्ल्ड की सारी चीजें आती है, तो हमें इसी लोकेशन को मार्क करना पड़ेगा। अब गाइस सबसे पहले मुझे एक एंड क्रिस्टल यहाँ लगाना है, एंड बाकी के 3 क्रिस्टल मुझे नॉर्मली लगाना है। एंड लास्ट क्रिस्टल लगाते जैसे ड्रैगन स्पॉन होने वाला रहेगा, मुझे उससे पहले उसको फोड़ देना है। भाई साहब मैं मरने वाला था। अब इससे गाइस ये हुआ होगा कि जो हमारा ऊपर वाला बेडरॉक था वो टूट के हमारे स्पॉन पे पहुंच चुका होगा, जिसे हमने मार्क किया था। लेट्स सी गाइस क्या ये ट्रिक काम करी भी है नहीं, बट उससे पहले हमें जो है हमारे स्पॉन से काफी ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। सो मैंने पहले ही रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया था, क्योंकि ये रहा हमारा स्पॉन। लेट्स सी क्या यहाँ पे बेडरॉक आया या नहीं। ओ भाई साहब गाइस लिटरली हमने सर्वाइवल में बेडरॉक को कलेक्ट कर लिया है, लेट्स गो। सो बेडरॉक भी इन्हीं के साथ रख देते हैं। एंड ये रहे गाइस वो सारे इलीगल ब्लॉक जिसे अभी तक हमने कलेक्ट किया है। एंड अब वक्त आ चुका है इसे अपने वर्ल्ड में लेके जाने का। बट अभी गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसे अपने हार्डकोर वर्ल्ड में लेके कैसे जाऊंगा। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इस वर्जन की नेदर की फाइल को अपने हार्डकोर वर्ल्ड की नेदर की फाइल से रिप्लेस कर देना है। एंड जैसे हम इन सारे इलीगल ब्लॉक्स को अपने हार्डकोर वर्ल्ड में ऑब्टेन कर लेंगे, तो हम अपने हार्डकोर वाली नेदर फाइल को वापस से डाल देंगे। बट जाने से पहले इन सारे डीप डायमंड ब्लॉक को जला के जाते हैं। एंड अब सीधा चलते हैं नेदर में, एंड अब करते हैं हमारे इस वर्ल्ड को बाय बाय, क्योंकि इसके बाद हम इस वर्ल्ड में कभी नहीं आने वाले। सो कि गाइस मैंने नेदर में इस वाले पॉइंट के बीच एक चेस्ट लगा के डायमंड ब्लॉक से उसे कवर कर दिया है, एंड सारे इलीगल ब्लॉक्स उस चेस्ट में रख दिए। एंड काफी टाइम के बाद गाइस फाइनली हम लोग अपने हार्डकोर वाले वर्ल्ड में वापस आ चुके हैं। एंड अब गाइस टाइम आ चुका है उन सारे इलीगल ब्लॉक्स को चेक करने का हमारे नेदर में। लेट्स गो, फटाफट से नेदर में जाके देखते हैं क्या हमारा नेदर बदला है। ओके देखने से तो लग रहा है हमारा नेदर पूरा बदल चुका है। एंड ये रहा गाइस वो पॉइंट जहाँ पे हमने अपने इलीगल ब्लॉक्स को दफन किया था। लेट्स सी क्या सही में यहाँ पे इलीगल ब्लॉक्स आए होंगे। लेट्स सी हमारे चेस्ट में। ओ भाई साहब लेट्स गो गाइस, हमारे सारे इलीगल ब्लॉक्स आ चुके हैं, स्पॉनर, एंड पोर्टल फ्रेम, बेड रॉक एंड
पेट्रीफाइड ओक स्लैब। नो वे भाई साहब, क्या सही में? कई जिन लोगों को पेट्रीफाइड ओक स्लैब नहीं पता है, मैं उन लोगों को बता दूं कि ये एक ऐसा स्लैब है जो कि सिर्फ क्रिएटिव में मिलता है, यानी कि हमने जाने अनजाने में एक और एक इलीगल ब्लॉक को कलेक्ट कर लिया है। इस बात पे तो गैस एक लाइक करना बनता है। अब गैस मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पोर्टल को कम्प्लीट करने से पहले क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए एंड उसके ऊपर हम हमारे पोर्टल को बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए मुझे काफी सारे कॉर्ड्स की जरूरत है, तो काफी सारे कॉर्ड्स को माइन कर लेते हैं। एंड ये जगह गैस काफी ज्यादा सही लग रही है, तो फटाफट से हमारे प्लेटफॉर्म को बनाना शुरू करते। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमारे पोर्टल के लिए एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। अब फटाफट से इन सारे ब्लॉक्स को उठा के वहाँ पे शिफ्ट कर देते। तो अभी तक गैस हमने टोटल 12 इलीगल ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी 2 इलीगल ब्लॉक्स बाकी है। तो जो हमारा 13 ब्लॉक है वो एक ऐसा ब्लॉक है जिसको कलेक्ट करना सर्वाइवल में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड ये एक री इन्फोर्स डीप स्लेट है जो कि हमें एंशिएंट सिटी में मिलता है। बट एक तरीका ये गैस कि हम इसको माइन नहीं कर सकते, बट इसे हम पिस्टन से मूव कर सकते हैं। एंड उसे करने के लिए गैस हमें चलना पड़ेगा माइनक्राफ्ट में थोड़ा सा पीछे, यानी कि डीप डार्क एक्सपेरिमेंटल स्नैपशॉट 1 में। एंड ये रहे गैस वो सारे री इन्फोर्स डीप स्लेट। लेट्स सी क्या इस वर्जन में हम इन्हें पिस्टन की हेल्प से मूव कर सकते हैं। भाई हो तो जाना चाहिए। ओके लेट्स गो गाइस, इस वर्जन में हम लिटरली इन्हें मूव कर सकते हैं। बस मुझे एक काम करना है कि इसी तरह पिस्टन की हेल्प से धीरे धीरे करके इन्हें मुझे ऊपर की तरफ लेके जाना है। भाई साहब, इसे बाहर निकालने में ही मेरी हालत खराब हो चुकी है, तो इसे अपने बेस तक लेके जाने के लिए मैं एक फ्लाइंग मशीन बिल्ड करने वाला हूँ। अब इसे तोड़ते हमारी मशीन चलनी चाहिए। लेट्स गो गाइस, अब इसे गाइस बड़े आराम से हम अपने बेस पे लेके जा सकते हैं। अभी गाइस काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट हम अपने पोर्टल के पास पहुंचने वाले। अब बस फटाफट से मुझे इसी पिस्टन का यूज करते हुए इसे नीचे भी उतारना है। ओके सो गाइस, ये ऑलमोस्ट हमारे पोर्टल के पास पहुंच चुका है। तो ये कर दिया हमने पिस्टन को एक्टिवेट। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमारे पोर्टल में एक और इलीगल ब्लॉक लग चुका है। अब गाइस जो हम बाकी के इलीगल ब्लॉक्स को लेके आए, उन्हें लगाने से पहले मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस पोर्टल को एक्टिवेट कर लिया जाए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसे बिना ऑब्सीडियन के एक्टिवेट करूंगा तो करूंगा कैसे। सो उसके लिए मुझे बिल्ड करना पड़ेगा एक अपडेट सप्रेशन जो कि मोजैंग ने 1.19 में हटा दिया है। सो उसके लिए गाइस मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट 1.18.2 में। तो सबसे पहले एक पोर्टल बिल्ड कर लेते। एंड गाइस, इस अपडेट सप्रेशन को बनाने में मेरी हेल्प मेलो ने की है, तो आप जाके उसे जरूर चेकआउट करना। अब गाइस अगर मैं इस ऑब्सीडियन को तोड़ता हूँ तो ये पोर्टल ब्रेक नहीं होगा। अब बस मुझे ऐसे एक एक करके सारे ब्लॉक्स को हटाते हुए हमारे इलीगल ब्लॉक्स को यहाँ पे प्लेस करते जाना है। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमारा ऑलमोस्ट पोर्टल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन गाइस अभी भी इसमें कुछ ब्लॉक्स बाकी है, जैसे कि री इन्फोर्स डीप स्लेट 1.18.2 में नहीं था तो मुझे उसे थोड़ा सा दूर भेजना पड़ा। तो सबसे पहले धक्का मार मार के इसे वापस अपनी जगह पे ला लेते। अगला हमारा स्कल कैटलिस्ट बच चुका था तो इसे भी लगा देते। अब गाइस हमारा पोर्टल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है सिवाय एक ब्लॉक के। एंड इस जगह पे गाइस मैं बिल्ड करने वाला हूँ एक का ब्लॉक, एंड वो कैसे वो आप सिर्फ देखते रहो। एंड ये दो गाइस फाइनली हमारा लावा ब्लॉक बन के रेडी हो चुका है। एंड इसको बिल्ड करने में गाइस नॉट लेक्सी ने मेरी हेल्प की है, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमारा इलीगल नेदर पोर्टल यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो आज की वीडियो को गाइस करते हैं यही पे एंड। होप करते गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टा और डिस्कॉर्ड पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये इलीगल पोर्टल गाइस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते गाइस अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।